दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत से टीकाकरण अभियान प्रभावित हो रहा है। हालांकि मोदी सरकार वैक्सीन की किल्लत से साफ इनकार कर रही है। सरकार का दावा है कि राज्यों के पास अभी भी 1,91,00,000 डोज उपलब्ध है, जबकि 12,00,000 डोज की खेप जारी की गई है। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम का जुमला करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि जुमले तो हैं लेकिन वैक्सीन नहीं। कांग्रेस नेता का ट्वीट कई राज्यों की सच्ची हालत का आईना दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला अगले महीने न्यूयॉर्क में होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम यहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर चर्चा होगी। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष और स्टेट काउंसिलर वांग यी से दुशांबे में मुलाकात करेंगे, जहां लद्दाख में तनाव कम करने पर चर्चा होगी। आज विदेश मंत्री तजाकिस्तान के दुशांबे के लिए रवाना हो गए। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने नेपाल की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आज उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हुए शपथ दिलाई। हालांकि शपथ से एक घंटे पहले शेर बहादुर ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर में संवैधानिक क्लाज का जिक्र नहीं होने की बात पर आक्षेप लेते हुए पीएम पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। देउबा केपी शर्मा ओली की जगह लेंगे, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए सुर्खियों में थे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित राहुल गांधी के घर पर हुई इस मुलाकात में प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल राव भी मौजूद थे। माना जा रहा है कि राहुल और पीके की यह बैठक पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच पैदा हुए सियासी झगड़े के समाधान के तौर पर है। असल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पंजाब कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के कारण हरिद्वार में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को जहां रद्द कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 16 जुलाई को सुनवाई तय की है। असल में सीएम योगी ने टीम 9 को कोविड प्रोटोकॉल के साथ पारंपरिक कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी उपाय करने, कांवड़ संघों से संवाद साधने को कहा था, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने यह नोटिस जारी किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी सरगना आईएसआई भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश में है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ट्रेनों में बम रखने की योजना बना रहा है। आतंकी उन ट्रेनों को निशाना बनाने की फिराक में है, जिनमें मजदूर बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। फिलहाल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर अलर्ट जारी किया है, जहां आतंकी हमले की संभावना है। वहीं डिविजनल सीनियर ऑफिसर दानापुर ने कई जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखकर ऐसी वारदातों से सावधान किया है। असम में अब मंदिरों के 5 किलोमीटर के इलाके में बीफ की बिक्री नहीं होगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार इसे रोकने के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीफ बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की दृष्टि से मवेशियों की रक्षा के लिए एक विधेयक पेश किया है। इसमें हिंदू, जैन, सिख और बीफ न खाने वाले समुदायों के इलाकों और मंदिर प्रांगण के 5 किलोमीटर दायरे में बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के 2 मंत्रियों को बदला जा सकता है और उनकी जगह 2 नए नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपने 2 मंत्रियों को बदलने की गुजारिश की है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले फिर मंत्री पद चाहते हैं। वर्तमान में 42 मंत्रियों वाली महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस खेमे से 12 मंत्री हैं, जिनमें से 2 लोगों को परफॉर्मेंस का हवाला देकर हटाने की तैयारी है। महाराष्ट्र से सटे गोवा राज्य में आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मिशन गोवा के तहत बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने गोवा में आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा की। बिजली के पुराने सारे बिल माफ करने और 24 घंटे बिजली देने का भी ऐलान किया। अगले साल गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले ही फ्री बिजली का सिगुफा छोड़कर केजरीवाल ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अब देश में डीजल और गैस की बजाय हाइड्रोजन पर परिवहन बस चलेगी।
पब्लिक सेक्टर कंपनी एनटीपीसी की सहायक कंपनी आरईएल ने लद्दाख में पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए सहमति करार भी पूरा हो चुका है। फिलहाल लेह में सोलर ट्री एवं सोलर कारपोर्ट के रूप में एनटीपीसी की पहली सौर स्थापना का उद्घाटन भी हो चुका है। एनटीपीसी ने इस क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना तैयार की है। नवी मुंबई में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो गई है। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने मजेंटा कंपनी के पहले चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। तुर्भेम आईडीसी में स्थापित इस केंद्र में 21 एसी डीसी चार्जर्स लगाए गए हैं, जहां 45 मिनट में 2, 3 और 4 व्हीलर वाहनों की चार्जिंग पूरी हो सकेगी। असल में 2026 तक 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ने वाले हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की प्रदूषण रहित परिवहन सेवा को बल देते हुए मजेंटा ने मुंबई में 4 लाख चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का लक्ष्य रखा है। आज के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन नई मुंबई मुंबई समेत देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।